देश के गृह मंत्री और राजनीति के चालक कहे जाने वाले अमित शाह आज 60 साल के हो गए हैं। 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमित शाह आज भारतीय राजनीति का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। फिलहाल गुजरात की गांधीनगर सीट से सांसद अमित शाह न सिर्फ बीजेपी के लिए दाव पेच लगाते हैं बल्कि फाइनेंशियल मामलों में भी अक्सर अमित शाह दाव पेच लगाते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि अमित शाह शेयर मार्केट के भी धुरंधर हैं, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं इसी के साथ अमित शाह की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। ऐसे में अमित शाह कितने अमीर हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, आपको आज इस वीडियो में बता देते हैं। जानकारी के अनुसार 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में चुनावी हलफनामे में अमित शाह की दी गई जानकारी के मुताबिक अमित शाह और उनकी पत्नी के पास कुल 65.67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साल 2019 में उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे से तुलना करें तो उनकी संपत्ति में पिछले 5 वर्षों में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। वह इसके साथ ही अमित शाह की कुल संपत्ति 36 करोड़ रुपए है, इसमें 20.23 करोड़ रुपए अचल संपत्ति है, वहीं 16 करोड़ की अचल संपत्ति है। अमित शाह की देनदारियां यानी लोन 15.77 लाख रुपए है। साथ ही शाह ने उस समय 24,164 रुपए कैश का ब्यौरा भी दिया था। इसमें नकदी, बैंक बचत, जमा, सोना, चांदी और विरासत में मिली संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। अचल संपत्ति के मामले में अमित शाह की कुल संपत्ति 16.31 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें कृषि भूमि, अर्ध खेती योग्य भूमि, भूखंड और आवास शामिल है। वहीं इसके साथ ही अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके पास करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में वो निवेश कर चुके हैं। वहीं इसके साथ ही अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उन्होंने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इनमें से 80 कंपनियों में उनकी पत्नी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही अगर अमित शाह के इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनियों की बात करें तो उन्होंने MRF में 1.13 करोड़ रुपए, कोलगेट पाम ऑलिव में 1.1 करोड़ रुपए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 0.96 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.4 करोड़ रुपए और ABB इंडिया में 0.7 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट किया है। वहीं उनकी पत्नी सोनल शाह की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 22.46 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है, जिसमें नकदी, बैंक बचत, स्टॉक निवेश और जमा के साथ साथ सोने और चांदी के गहने भी शामिल हैं। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो सोनल शाह के पास 6.55 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति भी है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर आवासीय संपत्तियां भी शामिल हैं। वहीं एक गौर करने वाली बात जिसका खुलासा अमित शाह ने किया है वो ये कि अमित शाह के पास ना कोई कार है और ना ही कोई 2-व्हीलर, यानी उनके पास कोई वाहन ही नहीं है। साथ ही अमित शाह ने अपने हलफनामे में खुलासा किया है कि वो एक समाज सेवी और किसान है। इसके अलावा उनके खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।